I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she's savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly, I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive, I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what I want. Welcome to the new video, guys. I hope you all are working out. So dumbbells only workout ka series ka aaj last day hai. Agar aap pichle videos nahi dekh chuke, to main playlist add kar raha hu. To usme jaake aap dekh sakte ho. And from tomorrow we will be starting a different series. It will be workout without equipment. So I hope you all are liking it. So let's begin. So after you have your pre-workout coffee, the very first exercise will be Romanian deadlift. अब नाम पे मत जाइए, confused मत होइए. Normally जो deadlift करते हैं हम bar से, similarly हम dumbbell से करेंगे. So after my coffee, I'll take you there. So from today, I will be showing you guys कि what is the wrong way and what is the correct way. पहले मैं normally जो चीजें गलतियाँ होती हैं, वो मैं बताऊँगा. And उसके बाद I will show you the correct thing. So, ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा आपका टाइम. लेट्स स्टार्ट. Done with the deadlift. अब होगा rowing. So two things are there in this. You can do it with one hand as well as with two hands. But normally two hands तभी करो जब you have that habit of doing. Like you have that habit of rowing in. तो वो गलत नहीं होगा दो बातों से. But I'll show you the first way, like the single hand. और अगर possible होए तो जो dumbbell है उसका weight बढ़ाओ. Like we have two dumbbells right now. So I'll remove all the plates from one dumbbell and transfer it to another dumbbell. So एक ही dumbbell बनाओ इसके लिए. I know थोड़ी सी मेहनत है, but अपने खुद के लिए कर रहे हैं. So we should do it. अपना वन आर्म रोइन भी हो चुका है. एंड अब जो दो एक्सरसाइजेस मैं बता रहा हूँ वो आपके पास अगर बेंच होगा, एक नॉर्मल सा बेंच भी होगा तो भी हो जाएगा. एंड अगर आपके पास वो इंक्लाइन होने वाला जो चेस्ट का बेंच है वो है, सो वेरी गुड. मेरे पास नहीं है बट आई विल टेल यू द एक्सरसाइज. अब ये इधर क्या करना है, अपने को इंक्लाइन करना है वो बेंच को 45 डिग्रीज. एंड उस पे पेट के बल सो के लाइक लीन फॉरवर्ड एंड दोनों डंबल्स से रोइन टाइप्स करना है. बट रोइन के लिए हम हाथ ऐसे रखते हैं, उसके लिए ऐसे पीछे हाथ आपके पूरे आगे है, ऐसे दोनों हाथ में डंबल्स है. सो डू इट लाइक दिस. सो यहाँ पे पैर का यूज हो रहा है, पैर के मसल्स भी काम कर रहे हैं, बट वो नहीं करना है हमें. इंक्लाइन करके पूरी बॉडी बेंच के ऊपर रहनी चाहिए. पैर पीछे रेस्ट ले लो, किधर ना किधर अटका लो पैर, नहीं तो आप आगे गिर सकते हो. बट दैट एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड. एंड द सेकेंड इज डंबल पुल ओवर.
अब उसके लिए आपके पास नॉर्मल बेंच भी रहा तो भी चल जाएगा. आई विल शो यू द सेम एक्सरसाइज ऑन द फ्लोर. आप फ्लोर पे भी कर सकते हो, बेंच रहेगा तो बेंच पे कर सकते हो. ये थे कुछ बैक के एक्सरसाइजेस. मेरे पास और भी एक्सरसाइजेस है बैक के विद डंबल्स ओनली. अगर आप चाहते हो वो भी मैं दिखाऊँ तो मैं दिखा दूंगा. आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी ये बेसिक चल रहा है और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर नॉर्मल ही वर्कआउट करते हैं या फिर जस्ट चालू कर रहे हैं. सो उनके लिए ये बेसिक 3 एक्सरसाइजेस थी. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बाइसेप्स. और आज मेरा मूड बहुत हैवी करने का है. सो वो जो जंबो डंबल बनाया था हमने उसी से स्टार्ट करते हैं. वी विल बी स्टार्टिंग विद डंबल कर्ल्स, जो नॉर्मली कर्ल्स होते हैं वही. सो लेट्स डन विथ 2 सेट्स. और मैं नॉर्मली ऐसा करता हूँ कि 2 हेवी सेट्स और 3rd सेट वेरी लाइट बट मैक्सिमम रेपिटेशंस. सो आप वही करने जा रहे हैं. वी आर डन विद द जंबो डंबल, नाउ द मिनी डंबल. सो जैसा कि अभी आपने देखा, वी डिड डंबल कर्ल्स. Now we'll do डम्बल हैमर. अब हैमर तो सबको पता है, हथौड़ा. So let's. सो अभी हम अपने आखिरी पड़ाव पर है. आई मीन लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट वेरिएशन एंड लास्ट 3 सेट्स. सो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड कर्ल. मतलब मुझे तो यही नाम पता है. सो इसके लिए बेसिकली आपको एक बेंच या फिर एक चेयर चाहिए या फिर स्टूल, कोई भी थोड़ा सा हाई बैठने के लिए जगह. एंड यू सिट ओवर देयर. आपका एल्बो आपके इनर कॉर्ड और इनर थाई पे रहेगा. And you extend your hand fully down और dumbbell के साथ without any movement, elbow thigh पे रहेगा, उधर से आप curl करोगे. अभी आए हैं पूरा वर्कआउट और सब होने के बाद. कैसा लग रहा है आज वर्कआउट मिस करके बड़ी? हाँ, कैसा वाटता है वर्कआउट मिस करूँ? तो एनीवेज आज छुट्टी देते थे बड़ी को. आई होप कल वर्कआउट को आ जाइए. तो फाइनली वी आर डन विद दिस सीरीज एंड कल से नो इक्विपमेंट सीरीज चालू होगी. सो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये पुलअप बार कैसे बनाया, क्योंकि कल से अगर कोई मेरे साथ वर्कआउट कर रहा है तो उसको भी ये लगेगा, और अगर वो सच में सीरियस होगा तो वो कर लेगा. वेरी सिंपल आइडिया. ये स्विंग के लिए मैंने जो रोप यूज़ किया था वही रोप है और वही एस हुक है. सो जस्ट 2 रोप्स एंड इधर एक नॉट और इधर एक प्लैंक. तो अभी वुडन प्लैंक अवेलेबल था इसलिए वुडन प्लैंक, नहीं तो फिर एक रॉड भी चल जाएगी. नेवर यू आर डूइंग एनीथिंग DIY या कोई भी जुगाड़ करते हो ना, तो वो जुगाड़ मजबूत होना चाहिए, नहीं तो आपकी हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम है
हेल्थ इन द सेंस, अगर आपको इंजरी हो जाती है तो वो थोड़ा महंगा पड़ सकता है. वॉट एवर यू आर यूजिंग इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. आप कहते होंगे कि कुछ दिनों से कमेंट सेक्शन रीडिंग का कोई सेगमेंट हुआ नहीं, इतना मज़ेदार कमेंट्स आ नहीं रहे थे और मैंने पहले ही कहा था कि मुझे जो कमेंट अच्छी लगेगी मैं वही पढ़ूंगा. सो दो कमेंट्स आए हैं एंड आई विल टेल यू व्हाट दे आर. दे वर यू रियली इंस्पायर मी एंड मोटिवेट मी टू वर्क आउट, कीप व्लॉगिंग एंड स्टे ब्लेस्ड. सो थैंक यू सो मच, आई विल ट्राई माई बेस्ट. एंड और एक कमेंट था सिमिलर है, वीडियो ऐसी वाली साइन एंड यू ऑलवेज इंस्पायर अस टू डू वर्कआउट, थैंक यू सो मच. सो द थिंग इज, आप कुछ लोग कहेंगे कि बाहर इतना सारा हॉरिफाइंग सिचुएशन चल रहा है और ये बंदा अपने वर्ल्ड में मज़े में है. सो मैंने एक बात सीखी गाइस कि इस दुनिया में ना आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है. सच कहता हूँ, इस दुनिया में कोई भी आपका भला नहीं चाहता आपके माँ बाप के सिवाय. अब ये माँ बाप थोड़ा सा बुरा लग सकता है सुनने में, बट अपने मम्मी पापा के सिवाय ना आपके लिए अच्छा सोचने वाला कोई नहीं होता है. सो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, कीप योर सेल्फ एंगेज्ड, क्योंकि जब तक आप एंगेज्ड नहीं रहोगे ना आपका माइंड कुछ गलत या फिर कुछ बुरी चीज़ों में लग जाएगा. और फाइंड अ वे टू कीप योर सेल्फ हाई. हाई मतलब पी के नहीं बैठना है या फिर फूक के नहीं बैठना है. हाई इन द सेंस मोटिवेटेड रहना सीखो, खुश रहना सीखो. ऐसा कोई हॉबी ले लो जिससे आप बहुत खुश हो जाते हो. अब आपको झूठ लग सकता है, लेकिन अगर आप इन केस मेरे किसी भी फ्रेंड या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर को मिलते हो, जस्ट आस्क देम कि मैं डिप्रेस्ड होने पे क्या करता हूँ. सो द आंसर वॉज कि मैं जब भी डिप्रेस्ड होता हूँ या फिर जब भी मूड ऑफ होता है, वॉट एवर द टाइम इज, रात के 2 ही क्यों ना बजे, डंबल उठाओ, वर्कआउट करो. दिस इज माई वे ऑफ हैप्पीनेस. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गाने सुनना, गाने गाना, गिटार बजाना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, आपके लिए कुछ लिखना हो जो भी माइंड में है सब लिख दो. सो वॉट एवर इट इज, कुछ भी हो सकता है. सो ट्राई एंड कैच अ हॉबी, क्योंकि सिचुएशन सच्ची बहुत बुरी है बाहर. एंड उसे देखकर आपने खुद को ऐसा मुरझाने लेना है, लाइक मन छोटा नहीं करना है उस सिचुएशन को देख. सिचुएशन कुछ भी हो, हमें खुश रहना सीखना है, हमें खुश रहना आना चाहिए. सो यही है आज के लिए वर्क, एंड दिस इज इट फॉर टुडे. आई रियली लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.